मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने आए प्रत्याशी ने कहा कि मुजफ्फरपुर का सड़क बहुत ज्यादा खराब है और बीते दिनों जो घटना घटी है मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारागार में वह बहुत ही निंदनीय है। साथ ही उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया है। एजेंडा है मुजफ्फरपुर में, आप देख रहे हैं कि सड़कों के हालात अच्छे नहीं है। एक पुल के लिए यहाँ की जनता मांग कर रही है। अभी जेल में एक घटना हुई है जहाँ मेरी बहुजन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मछुआरों के लिए जलाशय सूख रहे हैं, उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। युवाओं के लिए रोज़गार नहीं है। बिजली की हालत खस्ता है। उन सब पे हम, चूँकि मैं आंदोलनकारी रहा हूँ, मुजफ्फरपुर की जनता ने, बहुजनों ने खासकर मुझे बुलाया है कि आपको मुजफ्फरपुर आए, उनको हमने सम्मान दिया है और मुजफ्फरपुर के लिए आज चुनाव में आप सबके सामने हूँ।